अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि खूब आप इंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज़ को। आपको तो देखा है कि जिस टाइम चाहें जहाँ बैठे हैं आप वीडियो लेक्चर निकालें, वहाँ उसको सुने, उसके मुताबिक प्रिपरेशन करें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मुकम्मल ओवरऑल कॉम्पैक्ट हर चीज़ को जो है वो डिस्कस किया जाए। और फर्स्ट ईयर का कम्प्लीट सिलेबस जो है वो वीडियोज़ की सूरत में आप तक पहुँच चुका होगा, आप देख रहे होंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो है वो बड़ी बड़ी फ़ीस जो है वो हेक्टिक फ़ी अकेडमीज़ के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो है वो आपको वीडियोस की सूरत में इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी। आज का जो स्पेसिफिक हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, उसके हम क्वेश्चन आंसर जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मच डिड डेला सेव फॉर क्रिसमस? क्रिसमस के मौका के लिए डेला ने कितने पैसे जो है वो जमा कर रखे थे? मैं यहाँ पर आंसर लिखूँगा, ठीक है, आपको पता चलता रहेगा कि ये कौन सा सवाल है और उसका ये कौन सा जवाब है। तो हमारा पहला सवाल क्या है कि डेला ने क्रिसमस के मौके पर कितने पैसे जमा कर रखे थे? तो हम लिखेंगे कि डेला सेव्ड ओनली $1 एंड 87 सेंट्स इन हर केयरफुल बाइंग ऑफ मीट एंड अदर फूड स्टफ फुल स्टॉप। विद दिस मनी, इतने से पैसों के साथ, विद दिस मनी शी could not, buy a nice gift, for Jim. डेला ने कितने पैसे जमा किए? डेला saved only $1 and 87 cents in her careful buying of meat and other food stuffs, full stop. With this money, she could not buy a nice gift for Jim. इतने पैसों के साथ तो भाई कोई गिफ्ट वो खरीद नहीं सकती थी। तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। बच्चों, दूसरा सवाल इस चैप्टर के अंदर लिखा है, Why did Della feel proud of the beauty of her hair? डेला जो है वो अपने बालों की खूबसूरती के ऊपर इतना फ़खर जो है वो क्यों करती थी? तो हम क्या इसका जवाब लिखेंगे बताएं मुझे। आपने इसकी ट्रांसलेशन वाला वीडियो जो है वो भी सुना होगा। तो हम कहेंगे कि डेला felt proud of the beauty of her hair, beauty of her hair because, क्यों भाई? Her hair was like, a brown waterfall, and it reached, बिलो हर नी, और ये इतने लंबे कि उसके घुटनों से भी नीचे पहुंचते थे। टू हर, उसके नजदीक, इट वॉज मोर वैल्यूएबल देन एनी कॉइन्स ज्यूल्स एंड गिफ्ट्स। डेला को अपने बालों के ऊपर क्यों इतना फ़ख्र था? डेला फेल्ट प्राउड ऑफ द ब्यूटी ऑफ हर हेयर बिकॉज हर हेयर वॉज लाइक अ ब्राउन वाटरफॉल एंड इट रीच बिलो हर नी, उसके घुटनों से भी लंबे बाल थे। टू हर, उसके नज़दीक, इट वॉज मोर वैल्यूबल देन एनी क्वींस ज्यूल्स एंड गिफ्ट, उसके नज़दीक उसके बाल जो हैं वो किसी भी मलका के हीरे मोतियों से और उसके तहाइफ से ज़्यादा कीमती थे, इसलिए उसे अपने बालों की खूबसूरती के ऊपर जो है वो बड़ा फ़ख्र था। ठीक है, समझ आ गई आपको। चलें तीसरा सवाल देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर में, व्हाई डिड डेला सेल हर हेयर? डेला ने अपने बाल जो हैं वो क्यों बेच दिए? तो क्यों बेचते थे आपने मुझे बताना है। डेला सोल्ड हर हेयर बिकॉज her because she
did not have enough money to buy a gift for Jim. First off, she could not live through Christmas without giving him a nice gift. Della ne baal isliye beche. Della sold her hair because she did not have enough money to buy a gift for Jim. Jim ko gift dene ke liye uske paas paise nahi the. She could not live through Christmas without giving him a nice gift. Aur wo ise acha tohfa diye bagair jo hai wo Christmas ka mauka nahi guzarna chahti thi. Ye teen sawal ho gaye. चौथे नंबर पर देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है. चौथे नंबर पर सवाल है, व्हाई डिड जिम सेल हिज गोल्ड वॉच. जिम ने अपनी जो सोने की घड़ी थी वो क्यों बेच दी. तो बिल्कुल उसी तरह जैसे डेल ने जो है वो बेच दिए. तो हम क्या कहेंगे, कंपेल्ड बाय फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी कॉमा Jim had no choice other than to sell his gold watch. By this way, he could have enough money to buy a gift for Della. उसने क्यों बेची? उसने इसलिए बेची, compelled by financial stringency, क्योंकि पैसों के मसला बहुत ज़्यादा था. Jim had no choice other than to sell his gold watch. By this way, he could have enough money to buy a gift for Della. ठीक है, अब हम next question करेंगे. जी, हमारा next question जो है, वो हम देखते हैं कि क्या है. Question number 5. ठीक है. इसके तो questions भी बड़े आसान हैं. ये chapter भी बड़ा मज़े का. ठीक है, पढ़ने का भी मज़ा आता है. तो हम देखते हैं question number हमारे पास जो 5 है ना, वो है कि why did they want to present the gift. वो एक दूसरे को gift जो है वो क्यों देना चाहते थे. तो इसका answer जो है वो हम क्या लिखेंगे, इसका answer जो है वो हम इस तरह लिखेंगे कि it is customary, ये एक रवाज है, to exchange gifts on Christmas occasion. क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट देना जो है वो एक रवाज बन चुका है. सो जिम एंड डेला वांटेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस बाय गिविंग गिफ्ट्स टू ईच अदर. क्यों देना चाहते थे? It is customary to exchange gifts on Christmas occasion. Christmas के मौका पर एक दूसरे को gift देना एक custom है, रवाज है. So Jim and Della wanted to celebrate Christmas by giving gifts to each other. लिहाजा Jim और Della भी ये Christmas celebrate करना चाहते थे एक दूसरे को gift देकर. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि छठे नंबर पर इस चैप्टर के अंदर कौन सा सवाल है, फिर उसका हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे. अगर आपको कुछ मुश्किल लग रहा हो तो आप मुझसे हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. छठे नंबर पर है, व्हाई डिड डेला फील सैड ऑन लूजिंग हर हेयर. अपने बाल जो है वो जब उसने बेच दिए, जब वो खो दिए, तो डेला जो है वो इतनी गमज़दा क्यों नज़र आई. ठीक है, एक तो उसके बाल, वो उसके ऊपर फख्र करती थी, बेच दिए इसलिए गमज़दा. दूसरा ये उसे ये दुख अफसोस कि कहीं ऐसा ना हो कि जिम जो है वो उसे अभी भी पसंद ना करे इस वजह से. ऑलराइट, चले इसको क्या हम जवाब लिखेंगे. Della's
long and beautiful hair. Had always been the pride of the family. खानदान जो है वो उसके ऊपर बड़ा फख्र करता था कि भाई इसके बाल देखो बहुत खूबसूरत हैं. Full stop. Now after losing it, comma, she thought that she had lost her charm. उसे लगा कि शायद अब वो इतनी खूबसूरत जो है वो नहीं लगेगी. She feared. उसे ये भी डर लगा that Jim might not like her. कि हो सकता है कि जिम जो है उसे मैं अच्छी ना लगूं, इसलिए वो अफसरदा हो गई. डेलाज लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर हैड ऑलवेज बीन द प्राइड ऑफ द फैमिली. हमेशा खानदान फख्र करता था. नाउ आफ्टर लूजिंग इट, जब उसने वो अब गुमा दिए, खो दिए, शी थॉट दैट शी हैड लॉस्ट हर चार्म, उसे लगा कि शायद उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई. शी फियर दैट जिम माइट नॉट लाइक हर, और उसे यह भी डर कि कहीं जिम जो है वो ऐसा ना हो कि वो उसे पसंद ही ना करें. ठीक है, छठे नंबर का आंसर था. अब हम बच्चों देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड नॉट जिम वेलकम हर व्हेन ही स्टेप्ड इन. तो जब जिम घर में दाखिल होता है तो जिम ने उसे जो है वो खुश आमदीद क्यों ना कहा, क्योंकि उसने अपनी घड़ी जो भेज दी थी. जिम हैड सोल्ड हिज प्रेशियस वॉच. जिम ने जो है वो अपनी सबसे कीमती जो उसके पास चीज़ थी, जो घड़ी थी, उसको बेच दिया. ठीक है, टू बाय कॉम्स फॉर डेला. टू बाय कॉम्स फॉर डेलास लॉन्ग ब्यूटिफुल हेयर. फुल स्टॉप. When he came to know that Della sold her hair, comma, he became speechless. जब उसे यह पता चला कि डेला ने तो अपने बाल ही बेच दिए, तो वो जो है वो एकदम से खामोश हो गया, उसे समझ नहीं आई. जिम हैड सोल्ड हिज प्रेशियस वॉच टू बाय कॉम्ब फॉर डेलाज लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर. व्हेन ही केम टू नो दैट डेला सोल्ड हर हेयर ही बिकेम स्पीचलेस. तो एकदम से बेचारा खामोश हो गया, उसे समझ ही नहीं आई कि अब मैं क्या कहूँ, मैं क्या बात करूँ. मेरे तो जो है वो मैंने अपनी घड़ी बेच दी, तो जिस जो चीज़ मैंने खरीदी, जो कंघियाँ खरीदी जिन बालों के लिए, वो तो बाहर ही नहीं रहे. अगला सवाल है, what did Jim bring out of his coat? Jim ने अपने कोट से बाहर क्या निकाला था. तो हमें पता है उसने एक पैकेट निकाला जिसके अंदर जो है वो खूबसूरत कंघियाँ थी. तो हम कहेंगे कि Jim brought out of his coat beautiful combs for Della's hair. Full stop. These were the combs. ये वही कंघियाँ थीं. These were the combs she had seen in a shop window. Full stop. She always wanted to buy them, और वो उनको हमेशा जो है उसका दिल चाहता था कि काश मैं किसी तरीके से इनको खरीद लूँ. उसने क्या निकाला, Jim brought out of his coat beautiful combs for Della's hair.
These were the combs she had seen in a shop window. She always wanted to buy them. उनको हमेशा जिससे जो है वो खरीदना भी चाहती थी. ये तो आठवां सवाल है. नौवें नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो आप देखते हैं कि वो क्या है. नाइन्थ पर हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ ब्यूटिफुल वॉज द गोल्ड वॉच चेन जो डेला ने उसके लिए चेन खरीदी वॉच की, वो कितनी खूबसूरत थी. तो हम कहेंगे द गोल्ड वॉच चेन वॉज प्लेन एंड सिंपल. वो बहुत सादा सी थी. फुल स्टॉप. इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स रिच मटेरियल. उसकी कदरों कीमत जो है उसके खालस मटेरियल जिससे वो बनी थी उससे जो है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था. इट सीम्ड टू शाइन सॉफ्टली विद द वार्मथ ऑफ डेलास लव. वो कैसी थी. द गोल्ड वॉच चेन वॉज प्लेन एंड सिंपल. इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स रिच मटीरियल. इट सीम टू शाइन सॉफ्टली विद द वार्मथ ऑफ. तो डेला की मोहब्बत की हिद्दत से, उसकी शिद्दत से, उसकी वार्मथ से, उसकी गर्मी से ये चेन जो है वो और भी ज्यादा जो है वो चमकदार नजर आने लगी. दसवां सवाल करते हैं इस चैप्टर के अंदर जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है. आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वॉज द विजडम इन सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स. सबसे जो कीमती चीज़ें बेचने के पीछे जो है वो क्या अकलमंदी की बात हो सकती है. तो हम क्या कहेंगे कि लव हैज इट्स ओन विजडम. इश्क जो है वो दिमागी अकल को नहीं देखता. ये अब इसका और ही मुकाम है, इसकी और ही बातें हैं. इट इज ऑल अबाउट अनसेल्फिशनेस. लव के अंदर अकल है कि जब आप सेक्रीफाइस करें, जब आप खुदगर्जी को छोड़ के दूसरे की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें. इट इज ऑल अबाउट अनसेल्फिशनेस एंड लार्ज हार्टेड गिविंग. लार्ज हार्टेड, ये लार्ज ना और इसके अंदर हाइफन लगाना है. गिविंग, ये जेनरोसिटी. इट्स ऑल अबाउट गिविंग. ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता मटेरियल पोजेशन. जो दुनिया की चीजें हैं दे आर नॉट इंपॉर्टेंट. पोजेशन, मटेरियल पोजेशन आर नथिंग. इनका कोई फायदा नहीं है इफ दे डू नॉट एक्सप्रेस द वार्मथ ऑफ द सोल. अगर दुनिया की चीजों से अगर आपकी रूह की खूबसूरती नजर नहीं आती, अगर आप उन चीजों के जरिए आपकी मोहब्बत का इजहार नहीं होता तो इन चीजों का फिर कोई फायदा नहीं. तो क्या अकलमंदी है. जो इश्क है उसकी अपनी ही अकल. वो लव हैज इट्स ओन विजडम. इट इज ऑल अबाउट अनसेल्फिशनेस एंड लार्ज हार्टेड गिविंग. मटेरियल पोजेशंस आर नथिंग इफ दे डू नॉट एक्सप्रेस द वार्मथ ऑफ द सोल. ठीक है लो बच्चों, ये 10 क्वेश्चन से हमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए. बहुत आसान छोटे छोटे अटेम्प्ट किए. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी. आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है, और आपने हमें अपना फीडबैक ज़रूर देते रहना है कि आपको इससे कितना फ़ायदा पहुँच रहा है, ताकि हम इस तरह अपने आप को जो हम भी मोटिवेटेड रहें, आपके लिए ज़्यादा नई नई वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आते रहें. आज की वीडियो लेके इतना ही. इंशाल्लाह कल हाज़िर होऊंगा फिर दोबारा नए एक टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.